बेशक बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन इनका लाभ शायद उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तभी तो वृद्धाश्रमों की हालत ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते मंडी जिला के सुंदरनगर और बंगरोटू में स्थित वृद्धाश्रमों की वित्तीय स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार की ग्रांट के नहीं मिलने से संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दानी सज्जनों के सहयोग और संचालकों द्वारा अपने स्तर पर एक वर्ष में करीब 21 लाख रुपए की राशि भोजन, वृद्धों की दवाइयों, कर्मचारियों के वेतन और अन्य संसाधनों पर व्यय की जा चुकी है। सरकार से ग्रांट ना आना, टाइम पे जो है ग्रांट ना आना और इससे के कारण जो है तो हमें कई प्रॉब्लम होती हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है, जहाँ हमारा जो एम्प्लॉई हैं वो थोड़े हैं सरकार ने दिए हुए हैं, और उनका जो वेजिस हैं वो बहुत ही थोड़े हुए हैं। 2011 में के अनुसार जो है वेजिस लगाए गए थे। मेहनताना से कोई भी लोग जो हैं तो काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से जो है तो हमारी एक विनती है, जो ग्रांट हमें आती है तो साल के दो बार आती थी, सितंबर और मार्च में। अभी तक जो है तो कोई भी ग्रांट जो है तो सारे साल की नहीं है। हमारा गवर्नमेंट जो है तो 10.5 लाख के करीब देती है, जबकि खर्चा हमारा जो है 20 लाख से ऊपर चला गया है। कल रिवर्समेंट है, 50,000 रुपये जो है तो साल का देते हैं 25 आदमियों को, जो कि 2,000 के करीब जो है तो एक आदमी बैठता है, जो कि बहुत कम है। सभी इस उम्र में सभी लोग जो हैं तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से सभी ग्रस्त हैं। इतनी का दवाई तो इसी की लगती है, बाकी जो हॉस्पिटल में इलाज है या दूसरा इलाज है वो तो इसमें नहीं आता। तो हमारी डिमांड है कि गवर्नमेंट जो है तो टाइम पे सभी कुछ करे। इसका जो है तो वृद्धों को जो है तो बहुत मुश्किल में आएगा। उन्हें जो खाने का लाले पड़ जाएंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे, मेडिसिन नहीं मिलेगी, बिजली पानी में जो अटेंडेंट हैं वो यहाँ से भाग जाएंगे, तो ये ऐसा हुआ तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे, जिससे कि समाज में जो है तो बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा।